नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपकी अपने चैनल एक पॉजिटिव में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप लोगों सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी बात, मैं उन सब अपने व्यूअर्स का थैंक यू बोलना चाहूँगा, उन सब व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। और मैं उन सब अपने सब्सक्राइबर्स को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा जिन लोगों ने मेरे वीडियो को पसंद किया और मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब किया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि घर में हम किस तरह से 20 से 30 मिनट देकर एक परफेक्ट बॉडी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि घर में या जिम में जब भी कोई एक्सरसाइज हम करते हैं या बॉडी बिल्डअप एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है अपने बॉडी को वार्म अप करना। वार्म अप करने के लिए हमें जो है 5 से 10 मिनट जो है एक वार्म अप एक्सरसाइज होती है कुछ, वो करनी चाहिए। उसके बाद ही जो है हम एक्सरसाइज या जिम कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो है उन्हीं वार्म अप एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि वार्म अप एक्सरसाइज कौन सी होती हैं जिनको जो है हम जिम करने से पहले या एक्सरसाइज करने से पहले 5 या 7 मिनट उनको हम देंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अच्छा, वार्म अप एक्सरसाइज की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं दोस्तों। बहुत सारे मेरे दोस्त जो होते हैं वो महंगी महंगी जिम ज्वाइन कर लेते हैं या घर में कुछ जिम इक्विपमेंट ले आते हैं, 5, 7, 10 दिन मेहनत करते भी हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, पर रिजल्ट उन लोगों को नहीं दिखता, उन लोगों को अपनी बॉडी में चेंजेस नहीं दिखते और उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि एक्सरसाइज का रिजल्ट 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन में नहीं दिखता। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक अच्छा शेप चाहते हैं बॉडी में, तो उसके लिए आपको अपने जो है आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। 2 या 3 महीने में आप लोगों को अपनी बॉडी में चेंजेस दिखने लगते हैं और एक बॉडी में शेप आना चालू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और थोड़ा सा टाइम दें, आप लोगों की परफेक्ट बॉडी बनेगी, पर थोड़े से पेशेंस के साथ। हाँ, तो दोस्तों, वार्म अप एक्सरसाइज के लिए जो है मैं आपको आज कुछ 5 एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको आप जो है अपन को रेगुलर पर डे करना है और वर्कआउट करने से पहले 5 से 10 मिनट। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वार्म अप एक्सरसाइज बता रहा हूं, वो ये है। एक जगह पे खड़े होके जो है हमको दौड़ना है और वो भी एक रिदम में। तो आप 2 से 3 मिनट जो है आप इस जो है रनिंग को दे सकते हैं और उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी ये रस्सी कूदना। तो दोस्तों, रस्सी कूदने के लिए भी आप जो है कम से कम 2 या 3 मिनट दें, जिससे जो है आपकी पूरी बॉडी जो है इसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है तेज होता है और जो है आप जो है एक्सरसाइज करने के लिए तैयार होते हैं। अब उसके बाद कोई भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए जरूरी है आपके शोल्डर्स और हैंड। तो उसके लिए जो है आपको सबसे पहले शोल्डर्स से इस तरह से करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये दोस्तों, तो ये भी आप 1-2 मिनट इस चीज को दें। आप एक्सरसाइज के लिए आपको दोनों पैरों को जो है अपने शोल्डर से थोड़ा सा जो है बाहर निकाल के रखना है और इस तरह से जो है बैठक लगानी है, ये बैठक लगानी है इस तरह से आपको। इस एक्सरसाइज को भी दोस्तों आप जो है
2 मिनट देंगे। तो ये अपनी जो है दोस्तों 4 एक्सरसाइज हुई हैं, और लास्ट में पांचवी एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं, जिसको जो है अपन डिप्स या पुशअप भी बोलते हैं। तो वो आपको एक्सरसाइज लगानी है, ये देखिए। थोड़ा पैर फैला के इस तरह से हाथ जमा के जमीन में, ये तो दोस्तों इसको भी हम 2 मिनट देंगे। ये 5 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, इन सबको हम 2-2 मिनट देंगे। तो कुल मिला के 10 मिनट का हम जो है वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद जो है हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो ये था वार्म अप एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको जो हूँ बताने वाला हूँ कि हमको किस दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो इसके लिए आपको जो है मेरा नेक्स्ट वीडियो सब वेट करें और मेरे साथ वर्कआउट करें दोस्तों। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किया, और जिन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे आगे आने वाले वीडियोस नहीं देख पाएंगे। सो जो न्यू यूजर्स हैं और जो मेरे को जो है अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप जो है देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।